फाखिर आपसे आगाज़ करूँगा, यौम आज़ादी के मौके के ऊपर आपका क्या तज़िया है कि क्या खोया और क्या पाया? जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मैं अस्सलाम वालेकुम जवाद, पूरी कौम को बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक हो, पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो। विद ऑल द फ्लॉज एंड ऑल द इम्परफेक्शंस, ये जो मुल्क है ये हमारी जान का टुकड़ा है, और ये कौम हमारी जान का टुकड़ा है। हमारी कौम, ये हमारी फैमिली है, वी आर वन बिग फैमिली पाकिस्तानीज। दुनिया में जहाँ कहीं भी हों अच्छा लगता है। जी मैं कोई मुफक्किर और दानिश्वर तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मुनाफ़कत जो है हमारी, वो हमें ले डूबी है। हम मुनाफ़कत बहुत करते हैं, हम बोलते कुछ हैं, टीवी पे आके बोल कुछ और होते हैं, भाषण हमारे कुछ और होते हैं, वेयर एज इन रियल लाइफ हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो हम कुछ और करते हैं, प्रीच हम कुछ और कर रहे होते हैं। एंड ये टॉप टू बॉटम है, इसमें आप भी शायद शामिल हों, इसमें मैं भी यकीनन शामिल होऊंगा और सब लोग। तो मुनाफ़कत से जान छुड़ाएं। एक छोटी सी मिसाल, हम बड़ी बात करते हैं कि फ़लाना जो है वो 2 नंबर पैसे बनाता है, फ़लाना जो है वो करप्शन करता है। अच्छा, जब वो पैसे बना रहे होते हैं तो हम दोस्ती भी उनसे करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, जब पैसा होता है तो नेटवर्किंग होती है, फिर सिफारिशें भी उन लोगों की चलती हैं। तो हम जो दोस्त यार वगैरह पैसा 2 नंबर का बना रहे होते हैं, हम उनको जफ्फा भी डाल लेते हैं, वेयर एज़ हम पीछे उनकी तनकीद भी कर रहे होते हैं। वैसे हम बहुत बड़े नेक साधु बने होते हैं कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हम उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं ताकि हम उनके साथ पार्टी भी करें। ये हम मुनाफिक हैं, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं मेरिट की, अपने बच्चों के लिए हम नाजायज़ एडमिशन्स के लिए हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह के अंदर सिफारिशें वहाँ भी हम कर रहे होते हैं, बच्चों के लिए मुलाजमत के लिए भी सिफारिशें कर रहे होते हैं। वैसे हम बहुत बड़े साधु हैं, हम बहुत बड़े ईमानदार लोग हैं, बोल बचन है, हम लोग सिर्फ वी आर ऑल टॉक, हम जो प्रीच करते हैं हम वो प्रैक्टिस नहीं करते, हमारी मुनाफ़कत हमें ले डूबी है। दूसरा, आप इधर उधर देखते हैं, बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन आप देख लें, एक आम जो भी बंदा है वो अपने बच्चों को अगर बाहर पढ़ा सकता है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो गाड़ियाँ हैं, उसके जो घर हैं, सब कुछ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप पता चलाएं कि कौन करप्शन करता है कौन नहीं करता। मुझे लगता है हम पकड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम इस कंफर्टेबल, हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं, हम इस कंफर्ट जोन के अंदर हम खुद रच बस गए हैं कि अगर क्रैकडाउन कोई होगा तो हमारी भी छोटी मोटी चवन्नी ठन्नी पकड़ी जाएगी। तो जब तक हम ये मुनाफ़कत नहीं छोड़ेंगे और जब तक हम ये दोगलापन नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का या किसी फैमिली का भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो हम जो कोसते हैं पॉलिटिशियंस को, कोसते हैं हम फौज को, कोसते हैं हम ब्यूरोक्रेसी को, हम खुद उसका हिस्सा हैं, हमारे में से ही लोग वहाँ पर हैं, हमारे दोस्त भाई, हमारे ये बावजदाद सब लोग वही थे ना। तो इसलिए हम जो सारा दिन स्पीचेस करते रहते हैं, तकरीरें करते रहते हैं, इसका कख फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि हमारी मुनाफ़कत जब तक ख़त्म नहीं होगी, हमारा दोगलापन जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम खुद सच्चे नहीं होंगे, ट्रू टू आवर वर्ड हम जब तक खुद नहीं होंगे, और वो हमारे अपनी ज़ात से शुरू करना पड़ेगा, तब तक कोई फ्यूचर नहीं है। जवाद अहमद, आप क्या कहेंगे? यही सवाल आपसे भी। देखिए, मैं तो अपने तमाम मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हर एक पे मैं यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो रूलिंग एलीट है, जो हमारी अशराफिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि द रूलिंग आइडियाज आर द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास, जो भी सोच होती है अमूमी लोगों की वो रूलिंग क्लास से ही आ रही होती है। जैसे अगर रूलिंग क्लास जो है वो चंगेर में रोटी नहीं खाती तो लोग भी नहीं खाते, अब बल्कि रूलिंग क्लास ने अब आजकल वो अपनी दीवार पे चंगेर लगाई होती है, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक ज़माने में चंगेर में भी रोटी खाते थे। तो ये कल्चर आइडिया सब रूलिंग क्लास से आते हैं। अब रूलिंग क्लास जो होती है आपकी, वो उसके कॉम्पिटिशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह के आइडियाज़ वो लोगों के अंदर लेके जाएगी। अगर आपकी रूलिंग क्लास जो है वो बहुत बड़े बड़े दौलतमंद सरमायादार जागीरदार माफियाज हैं, और वो जिन तरीकों से पैसा बना रहे हैं एक ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ पे एक बड़ा ही फ्रैक्चर्ड किस्म का कैपिटलिज्म है, ऐसा कैपिटलिज्म जो कि आम लोगों को कुछ नहीं दे पा रहा और सिर्फ चंद लोग जो है उनके हाथों में दौलत सारी जमा हो रही है, तो फिर वो लोग जो है वो उनके अंदर करप्शन तो होती ही है, क्योंकि वो कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीकों से पैसा बना रहे होते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, मतलब वो पाकिस्तान के अंदर एमनेस्टी भी लेके आते हैं, वो
प्ली बार्गेन भी करते हैं, वो SROs जिसको स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस कहते हैं वो भी लेके आते हैं, उसके अलावा कर्जे माफ कराते हैं, फिर कर्जे बड़े बड़े लेते भी हैं, ये सारा कुछ वो कर रहे होते हैं। तो ये कानूनी उसके अंदर आता है, ये मतलब इसको हम कहते हैं ये तो कानूनी बातें हैं जी, सब लोग कर रहे हैं, तो क्योंकि ये बना रहे हैं कानून और ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा तरीका फिर गैर कानूनी है, उसमें भी ये होता है ये पकड़े नहीं जाते, अकाउंटेबिलिटी इनकी होती क्यों नहीं है। तो रूलिंग क्लास आपकी जो है ना वो एंजॉय कर रही है, जब से पाकिस्तान बना है ये एंजॉय कर रहे हैं। और 1951 में एक्चुअली मसूद खदर पोश ने एक किताब लिखी थी नोट ऑफ डिसेंट, और मतलब डिसेंट जो जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करना, तो उन्होंने उसमें लिखा था कि 1951 में जो पंजाब की सिंध की असेंबली थी उसके अंदर 90% जागीरदार थे, इसी तरह 1953 में जो पंजाब की असेंबली थी उसके अंदर 80% जागीरदार थे। और यही कॉम्पिटिशन जो है आहिस्ता आहिस्ता बदलती बदलती सरमायादारों में फिर चली गई, फिर वो माफियाज में चली गई, लैंड ओनर्स में चली गई, हर किस्म के लोग आपको इधर मौजूद मिलेंगे, और उनमें कुछ मौका परस्त मिडिल क्लास के लोग भी होते हैं। जब कॉम्पिटिशन पूरी बड़ी पार्टी की जो है वो इन्हीं लोगों में मुश्तमिल हो ना, तो मिडिल क्लास के लोग उसको चेंज नहीं कर सकते जाके, बल्कि उनके रंग में रंग जाते हैं। जैसे बचपन में कहते हैं ना बच्चे को कि अच्छी कंपनी में बैठो, क्योंकि तुम अकेले उसको ठीक नहीं कर सकोगे जो बुरी कंपनी होगी। हाँ अच्छी कंपनी तुम्हें ठीक कर लेगी, एक इंसान ठीक हो सकता है ज्यादा लोगों के साथ, ज्यादा लोग जो है वो बुरे हों तो वो बुरा कर देते हैं उस इंसान को। तो ये हालात पाकिस्तान के इस वक्त है, इसीलिए देखे नदीम मलिक साहब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आइडियाज जो कि फाखर अभी कह रहे थे और बिल्कुल ठीक कह रहे थे, देखें मुनाफ़कत तो बहुत ज्यादा है ना, मैं तो हर जगह भी ये बोलता हूँ, हर वक्त बोलता हूँ, रूलिंग क्लास से बड़ी मुनाफ़कत कोई नहीं करता, और फिर वो ट्रिकल डाउन होती है नीचे की तरफ जाती है, इधर इधर पैसा, इधर रिसोर्सेज, इधर रोटी ट्रिकल डाउन नहीं होती, इधर करप्शन ट्रिकल डाउन होती है। लेकिन जवाद फाखिर ने जो बात कही है उसने कहा है कि कौम के अंदर मुनाफ़कत बहुत ज्यादा है, उसकी आपको मैं एक मिसाल ये दे सकता हूँ कि रमजान के महीने में वो रेडी पे कोई माल्टे रख के बेचने वाला हो तो वो भी उसकी कीमत अगर वैसे दिनों में 10 रुपये हो ना उस लीमू की या माल्टे की, तो वो रोज़ों के महीने में उसको 25 रुपये का बेचना शुरू कर देता है। आपको बरतानिया में चले जाएं तो आप क्रिसमस की आपको या ईद की भी इवन आप तो रोज़ों के महीने में भी वो लंदन के अंदर वो सेल लगाने लग गए, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, हम ये काम करते हम उसके डबल रेट चार्ज करने लग जाते हैं। आप ये तो लोएस्ट लेवल है ना रेडी वाला, शुगर के चले जाएँ, शुगर की जैसे ही कीमतें गिरती हैं तो शुगर वाली कमेटी बैठती है, वो कहती है इसको एक्सपोर्ट करो नुकसान हो रहा है बड़ा, किसी और कमोडिटी के ऊपर नहीं बैठते, शुगर प्लेयर सारे क्योंकि हुकूमत में वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पावर सेक्टर में जितनी हुकूमतें आ जाएं, जो मर्जी पार्टी आ जाए, डज नॉट मैटर इट्स तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी या नून लीग, सब एक पावर प्लांट लेके बैठे होते हैं, वो अंदर आते हैं, वो अपने मफादात का तहफ्फुज करते हैं। तो टॉप टू बॉटम हमारे अंदर कुछ खराबियां ज्यादा नहीं पैदा हो गई एज ए नेशन? देख मैं तो ये समझता हूँ कि जो बात आपने की है ना इसके अंदर दो पहलू थे, एक रूलिंग क्लास जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है, रूलिंग क्लास में मैं कहता हूँ हुक्मरान तबका, तो उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं आते, उसमें वो तमाम लोग आते हैं जिनका पैसा इन्वेस्ट होता है और उसके बाद वो प्रॉफिटेयरिंग करते हैं और वो सियासतदानों के पीछे खड़े होते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े लॉबीज होती हैं, ये सब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं। मतलब अगर पाकिस्तान के मैं नाम नहीं लेता, कोई बहुत बड़े सरमायादार अगर हैं तो उनको नवाज शरीफ भी चाहिए हैं, उनको आसिफ जारी भी चाहिए, उनको इमरान खान भी चाहिए, उन्होंने पैसा बनाना है। तो वो जो कानून बना रहे हैं ये तीनों लोग, जो ये तीनों पार्टीज बना रही हैं, वो उन साहब के हक में बना रही हैं, ये जो ठेले वाला है उसके हक में नहीं बना रही है। ठेले वाला क्या करता है, वो देखता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं ये करप्शन करते हैं, ये लोग इतनी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो मैं भी फिर क्या करूं, मैंने भी बच्चे पालने हैं, स्कूल तो मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते नहीं है, तो वो भी ट्रिकल डाउन करता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अगर आपने इस मुल्क को बदलना है ना तो आपको इनकी पार्लियामेंट के अंदर कॉम्पिटिशन बदलनी पड़ेगी जो लोग वहां पे मौजूद हैं इस वक्त। अगर ये लोग बैठे रहेंगे जागीरदार सरमायादार माफियाज बैठे रहेंगे, आप जो मर्जी कर लें। अच्छा फिर आर्मी, देखें बार बार लोग मुझे कहते हैं कि जी देखें जी पाकिस्तान की जो फौज है ना इसको सियासत में नहीं आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि हम तो प्रिंसिपली समझते हैं नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनका कोई किरदार। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क के अंदर आर्मी कब आई है, जब ये स्टार्ट हुआ है मामला, ये 1954 से स्टार्ट हुआ है और वहां से लेके आज तक चल रहा है। 1956 में करारदाद मकासद आती है, उसके बाद फिर अब फौज जो है वो उसका थोड़ा बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, फिर यूब खान आ जाते हैं थोड़े अर्से के बाद और आहिस्ता आहिस्ता वो शरायत कर जाती है। और उसकी वजह क्या है, उनको भी पता है, उनको भी पता है कि ये जो रूलिंग क्लास है ये क्या है, और वो उसमें उसका फिर वो भी हिस्सा बन गए। अब मुझे नहीं पता अब ये इससे सबक सीखेंगे, मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, ये जो फौज में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से होते हैं,
लोअर मिडिल क्लास और सिपाहियों की कॉम्पिटिशन जो होती है वो होते हैं, वर्किंग क्लास से भी होते हैं, गांव देहातों से भी होते हैं, ये सब लोग लीड के नहीं है। बहुत कम आपको ऐसे कुछ जनरल मिलेंगे जो कि लीड से आए हुए हैं या जिनके बाप दादा जनरल थे और उन्होंने बहुत पैसा बनाया और उनके बच्चे अब आर्मी में हैं। ज्यादातर ये मिडिल क्लास से लोग हैं। अब वो जब देखते हैं कि यार ये तो मुल्क, उनके पास फाइल्स पड़ी होती है ना, उनके पास किसकी फाइल नहीं है, देखिए ना पूरी दुनिया में एजेंसीज होती हैं, उनके पास लोगों की फाइल्स होती हैं कि क्या कर रहे हैं। तो जब उनके पास भी पड़ी होती है, जब आप उनको आंखें दिखाते हैं, जब यही रूलिंग क्लास उनको आंखें दिखाती है, तो वो एक टसल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कोई ईमानदार लोग तो उनको नजर नहीं आते, ये जो सियासतदान है वो वाले। तो मैं जब मुझसे लेफ्ट के लोग, हमारे बाएं बाजू के लोग कहते हैं, मुझे कहने की देखिए हमारा सबसे बड़ा मसला फौज है, मैं कहता हूँ हमारा सबसे बड़ा मसला सियासतदान है। सियासतदान है उसी क्लास से सारे, और इसीलिए बराबरी पार्टी बनाई थी ना, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ नहीं, आप डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाएं, वहां पर भी कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को एक देने के लिए, कवर देने के लिए, उनको उनके ऊपर कट्स ना लगे, उनको गुर्बत ना हो, उनको भूख तंग ना करे, तो उसके लिए पार्टीज होती हैं। इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, वो लेबर पार्टी हमेशा से सबको पता है कि वो किसके लिए खड़ी होती है। अभी जेरेमी कॉर्बिन ने आगे कहा था 6 इंडस्ट्रीज जो है वो नेशनलाइज कर दें, ये और इसके ऊपर बड़ा प्रॉब्लम हुआ और उसको फिर उतरना भी पड़ा लेबर पार्टी से। इसी तरह बर्नी सैंडर्स ने आके पूरे अमेरिका के अंदर उसने कहा कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ, तो अब देखे ना वो उसने नौजवानों को जाके कहा कि अमेरिका के अंदर मसला ही सारा ही है कि गुर्बत बहुत ज्यादा हो रही है और चंद लोगों के हाथों में पैसा जा रहा है। आज तक वो ये कह रहा है, उसको भी साइड पे किया गया, लॉबिंग हुई वहां पे, क्योंकि कैपिटलिस्ट मुल्क है, लेकिन वहां पर भी लोग बात करते हैं और वहां पर भी डेमोक्रेट जो है आज भी। जवाब लंबा हो गया थोड़ा, फाखिर आपसे भी मैं चाहूंगा इसी इशू के ऊपर आप भी राय दें, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये बहस हमें किसी जगह पे किसी नतीजे पे पहुंचानी है कि फौज का क्या रोल होना चाहिए और कहाँ उसकी लिमिट होनी चाहिए, जिससे आगे उसको स्टेप इन नहीं करना चाहिए। पूरी 77 साल की तारीख में आधा अरसा जो फौजी अदवार का है वो हम कोई ऐसी रोशन मिसाल नहीं दे सकते कि मुल्क के अंदर यकजहती रही। 71 आपका हुआ, आपके अंदर ये सियाचिन वाले वाक़यात हुए, आपके अंदर ये मुसल्ला जत्थे बने, 9/11 के बाद ये जितने मुसल्ला जत्थों को पहले हम सारे जहादी कह के गले से लगाते थे, फिर हमने दहशत गर्द उनको कहा, वो दहशत गर्द आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। तो हमें एक ब्रॉडर सेंस में अपने रोल डिफाइन करने पड़ेंगे कि फ़ौज का क्या रोल है, सियासतदानों का क्या रोल है, चेक एंड बैलेंस भी लाना पड़ेगा। इस पर मलिक साहब बहुत बात हो चुकी है, आई मीन सब इस पर मुत्तफिक हैं कि फ़ौज का सियासत में कोई रोल होना नहीं चाहिए, लेकिन उनको दावत कौन देता है? जब एक पार्टी ज़ेर एताब होती है तो वो हाथ पैर जोड़ रही होती है और दूसरी पार्टी इंजॉय कर रही होती है, फिर ये रोल्स रिवर्स हो जाते हैं और ये फिर जो विशेष साइकिल है एक, ये सर्कल चलता जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़ौज को ज़ाहिर है एक जमहूरियत होनी चाहिए और शैम डेमोक्रेसी जो हम इंजॉय कर रहे हैं पिछले 50-60 साल से, वो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आधा तितर आधा बटेर, तो ऐसे तो नहीं कुछ चलेगा। या तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग फैसला कर लें कि कुछ रोल्स हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं जो कि ये शेयर करेंगे और फिर ऐसे मिलजुल के एक सेम पेज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर लें और फिर आगे बढ़ें, लेकिन आधा तितर आधा बटेर नहीं चलेगा। इसी तरह इसमें कन्फ्यूजन ही रहेगी हमेशा, और क्योंकि एक पार्टी होगी जो कि बिल्कुल साथ उनके जी हजूर होगी, और फिर तो ये आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं, आज के बच्चे जो हैं वो भी देख रहे हैं, इट्स हैपनिंग सो क्विक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स कुछ इनको बैठ के बनाने चाहिए और खुदा के वास्ते अब कुछ बना लें, क्योंकि ये ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन है और ये कन्फ्यूजन है, इट्स जस्ट वेग, एक ग्रे एरिया में हम लोग घूमते जा रहे हैं। जैसे हमारे ग्रे इकॉनमी होती है वैसे एक हमारी एक ग्रे, एक चाहे उसके ग्रे में हम जा रहे हैं पोलिटिकली, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, ना लेफ्ट जा रहे हैं ना राइट जा रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन से जान छुड़ानी बहुत ज़रूरी है, सबको बैठना चाहिए। और अभी जवाब बात कर रहे थे माफियाज़ की और कार्टलाइजेशन की, तो कार्टलाइजेशन तो हर जगह पे है, इवन आप जुडिशरी के अंदर देख लें, जो एक 3-4 वकील मिलके एक बनाते हैं चैम्बर या प्रैक्टिस अपनी बनाते हैं, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर होते हैं, सारे इनकी मर्ज़ी के लोग आ रहे होते हैं। तो हर जगह के ऊपर एक एलीट ग्रैब की जब आप बात करते हो, एलीट कैप्चर की, तो वो हर जगह पे है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी है। जैसा भी जवाब कह रहे थे कि 2-3 अगर जनरल्स हैं तो उनके बच्चे भी फिर आगे उसी तरह हैं, इसी तरह जुडिशरी में भी ऐसे है, ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे ही है, बिजनेस फैमिलीज़ में भी ऐसे है, पॉलिटिकल फिर जो लोग हैं वो पीछे क्यों रहें, हर जगह के ऊपर ऐसे। तो एंड ऑफ द डे आपका दोगलापन, आपकी मुनाफ्त
तो ये मुनाफ़कत से जान नहीं छूटेगी आपकी, तब तक कुछ नहीं होगा। और अभी जो बात हो रही थी, एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं।